एमएस अष्टी में पढ़ाई करते वैसे 56 देश के विद्यार्थियों के बीच इंटरनेशनल फूड फेस्टिवल का आयोजन किया गया। वडोदरा की एमएस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते वैसे वडोदरा के अलावा राज्य तथा देश तथा विदेश के भी विद्यार्थी पढ़ाई करते हैं, जिसमें एमएस यूनिवर्सिटी की विविध फैकल्टी में 56 देश के 215 जितने विद्यार्थी पढ़ाई के लिए यहां पर रहते हैं, जहां उनकी विदेशी वानगी तथा उनकी संस्कृति की पहचान करने के बीच अनोखा इंटरनेशनल फूड फेस्टिवल का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ वाइस चांसलर डॉक्टर प्रोफेसर विजय कुमार श्रीवास्तव द्वारा किया गया था। एमएस यूनिवर्सिटी स्थित G20Y20 अंतर्गत यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थी अपने देश के संस्कृति और को उजागर कर सके वैसे आशय से फूड फेस्टिवल का आयोजन किया गया, जिसमें 215 जितने विद्यार्थियों ने हिस्सा लेते हुए अपने देश की संस्कृति और खुराक का आदान प्रदान करने के बीच अनोखा फूड फेस्टिवल मनाया था। जो ये कार्यक्रम में 15 जितने स्टॉल्स में विदेशी विद्यार्थियों द्वारा अपने देश की विशेष वानगी को बनाकर पेश किया गया, तो वहीं स्वाद भारतीय विद्यार्थियों ने भी इसका लुत्फ उठाया था। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर विजय कुमार श्रीवास्तव सहित अलग अलग फैकल्टी के डीन और विद्यार्थी ये कार्यक्रम में उपस्थित रहे थे। जैसा कि आपको मालूम है, द महाराजा सयाजी राव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा ये अंतर्राष्ट्रीय ख्यातिनाम यूनिवर्सिटी है। इसमें पूरे विश्व के 56 देशों के लोग यहाँ पर अध्ययन के लिए आते हैं। अलग अलग कोर्सेस में ये लोग रजिस्टर्ड हैं। चूँकि इनके देश की जो भी डिशेस होती हैं सब अलग अलग होती हैं, ये लोगों को जहाँ पर हम लोगों ने हॉस्टल में अकोमोडेट किया है, यूजुअली ये लोग अपना ही फूड खुद कुक करते हैं और खुद खाते हैं। तो हम लोगों ने एमएस यूनिवर्सिटी के माध्यम से एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया कि क्यों नहीं हम लोग इंटरनेशनल फूड फेस्टिवल मनाएं, जिसमें ये जो 56 कंट्रीज़ के हमारे विद्यार्थी मित्र हैं, ये यूजुअली क्या डे टू डे लाइफ में ये लोग क्या खाते हैं, ये हम लोगों को भी पता चले। आप जैसा कि देख रहे हैं, पूरा इन लोगों ने बहुत मतलब परिपक्वता के साथ में सारा फूड बनाया हुआ है। देखने से एक चीज़ ऐसी है कि जो हमको विदेश के लोगों के साथ जुड़ती है, वहाँ के खान पान, वहाँ की कला संस्कृति के बारे में हम लोग जानते हैं और उनको भी एक अपनापन सा लगता है। जैसा कि इस साल हम लोग G20 समिट की प्रेसिडेंसी कर रहे हैं और उसका जो टैगलाइन है वसुधैव कुटुंबकम है, तो ये वसुधैव कुटुंबकम का एक छोटा सा उदाहरण है, जिसमें एमएस यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले 56 कंट्रीज़ के विद्यार्थी अपनी जो पाक कला है, कुकिंग की जो आर्ट है, उसका प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं सच में देख करके बहुत अचंभित हूँ, बहुत भावविभोर हूँ कि इवन आप देखिए मेल्स भी हैं, उन्होंने भी कुकिंग किया हुआ है, जबकि यूजुअली ऐसा माना जाता है कि फीमेल्स आर गुड इन कुकिंग, बट हियर यू विल फाइंड दैट मेल्स आर इक्वली गुड इन कुकिंग। दे हैव प्रिपेयर्ड वंडरफुल डिशेस, वेरी डिलीशियस डिशेस, यू पीपल कैन सी एंड यू पीपल कैन जस्ट वॉच देम हाउ सिंसियर दे आर एज फार एज कुकिंग इज कंसर्न। तो ये बहुत ही अच्छा एक मौका है, इसको आप लोग भी देखिए, आप लोग भी इसका लाभ लीजिए कि किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थी अपना जो अध्ययन काल है, जो उनका स्टडी का टाइम है, उसके साथ साथ शाम को कैसे कुकिंग में भी अपना एक चेंज लेते हैं, उसको एक मनोरंजन की तरह से लेते हैं और उसी में अपना एक्सपर्टाइज लेते हैं। थैंक यू।